मैं अपने बच्चों से कहूँ अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो भूखे मरोगे, तो बच्चे बोलेंगे आप तो भूखे नहीं मर रहे हैं, हम भी भूखे नहीं मर रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इज मोर कंपेलिंग देन व्हाट यू लर्न सेकंड हैंड। आपने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, अभी इनका एक्सपीरियंस क्या है, हम एसी में सोते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और जब कभी कुछ बाहर खाना होता है तो बाहर से खरीद के भी खा लेते हैं, ये इनका एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा कंपेलिंग है, ज़्यादा ताकतवर है बजाय कोई सेकेंड हैंड बात। कौन सी भूख मरने की वाली बात कर रहे हैं, डिग्री नहीं है, कॉलेज नहीं है तो कहाँ से मर जाऊँगा, मैं तो जिंदा हूँ। आपका पैसा जब लगा रहे हैं मार्केट में तो पैसा नहीं आएगा, आपको एक एक्सपीरियंस आएगा, हो सकता है पैसा आए, हो सकता है पैसा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं सॉलिड मनी रूल। क्या कहते हैं? सॉलिड मनी रूल। आज तीसरा रूल है, इस रूल को मैंने नाम दिया है योर पर्सनल एक्सपीरियंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। योर पर्सनल एक्सपीरियंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, इसका मतलब पैसे की दुनिया में आप पर्सनली क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी और चीज़ से। जो इस रूल को समझ जाएगा वो जितना कमाएगा उसमें से कुछ बचाएगा और अगले कुछ महीने कुछ साल तक के लिए सर्वाइव करेगा, और इस चीज़ को अगर वो हर महीने कर पाया तो 10-15 साल में 20 साल में वो रिटायर भी हो सकता है, चाहे बहुत ना कमाए। लेकिन ये रूल जो भूल गया, उसके पास कुछ दिन में पैसे इकट्ठे होंगे और फिर वो ऐसी कोई चीज़ करेगा जो उसका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन किसी और के एक्सपीरियंस के भरोसे पर करेगा और फिर डूब जाएगा, समझे। इस पूरी सीरीज़ को हमने सेव मनी के नाम से एक बार कवर किया है, लेकिन उसको हम लोगों ने बनाया है बहुत फास्ट और उसकी एडिटिंग उससे भी ख़राब हुई है। और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए सॉलिड मनी रूल्स में खाली यही 20 रूल आप याद रखें लेकिन उसको समझें ताकि जब भी आपको अप्लाई करने का मौका आए तो गाड़ी की तरह लागू कर सकें। जैसे आप गाड़ी में गियर लगाते हैं, कभी भी गियर लगाते समय क्लच नहीं भूलते, क्लच दबाते ही दबाते हैं, एक्सीलेटर का और क्लच का एकदम सही अनुपात होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं। ऐसे ही आपको ये 20 क्लच, गियर और एक्सीलेटर हैं मनी रूल्स। तो पहला रूल्स इसका एक्चुअल नाम है नो वन इज़ क्रेज़ी, पैसे की दुनिया में कोई भी आदमी पागल नहीं है। और इस रूल को ऑथर ऐसे बोलते हैं योर पर्सनल एक्सपीरियंस विथ मनी मेक्स अप मे बी 0.00000001% ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। इसको ऐसे समझने में मुश्किल है। कह रहे हैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है पैसे के साथ वो दुनिया के बारे में नहीं है। एक आदमी जब दुनिया को देख रहा है, कहीं मार्केट क्रैश हो रहा है, कहीं पर देश गुलाम हो गया है, कहीं पर कोई कंपनी अचानक से अरबों रुपए की हो गई है, हम क्या जाने उसके बारे में, हम नहीं जानते। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है। इसलिए कोई आदमी अगर आपके पास आकर के बोले अरे डॉक्टर साहब चिंता मत करिए आप हमारे साथ 1,00,000 रुपये लगाइए और देखिए क्या होता है 1 साल में, तो आप अपने आप से पूछिए क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। नहीं रहा है तो फिर उस चीज़ पर भरोसा मत करिए। शुरू करते हैं, लेट मी टेल यू अबाउट अ प्रॉब्लम। ऑथर शुरू करते हैं एकदम ये बोलते हुए कि मैं आपको एक प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ। इट माइट मेक यू फील बेटर अबाउट व्हाट यू डू विथ योर मनी एंड लेस जजमेंटल अबाउट व्हाट अदर पीपल डू विथ देयर्स। और इस चीज़ से आप अपने पैसे से क्या करते हैं उसके बारे में आपको खुशी होगी, और जो दूसरे लोग अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं उससे आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी उल्टा होता है। अभी हमारे पास पैसा अगर है 10-15,000-20,000 रुपये है बचा के रखा है, या 10,00,000 रुपये रखा है, हाथ में खुजली होती रहती है क्योंकि हम सुनते हैं यार उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका पैसा बढ़ता जा रहा है तो हम भी लगा दें। या एक दूसरा जजमेंट होता है, अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है और वो गलत है तो हम बोलते हैं अरे यार पागल आदमी है, पैसा रखा हुआ है बैंक में, तुम्हारा बैंक में पैसा रखे रखे सब ख़त्म हो जाएगा, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। तो हम दूसरों के पैसे के साथ जजमेंटल होते हैं। तो ऑथर कह रहे हैं मैं आपको कुछ बात बताऊँगा
जिससे आप अपने पैसे से क्या करते हो उसके बारे में आप खुश रहोगे, और दूसरे अपने पैसे से क्या करते हैं आप उसके लिए बहुत बहुत सोचोगे नहीं। पीपल डू सम क्रेजी थिंग्स विथ मनी, लोग अपने पैसे के साथ कुछ पागलपन करते हैं, बड़ी बड़ी पागल वाली हरकतें करते हैं, बट नो वन इज़ क्रेजी। लेकिन कोई कितना भी पागलपन करे इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद पागल है। देखिए, आप किसी इंसान को देखेंगे वो पागल नहीं लगता, लेकिन लोग अपने पैसे से क्या करते हैं, पागलों वाली हरकत करते हैं। लेकिन वो पागल है नहीं, लेकिन वो पागल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा मान के चलते हो कि वो आदमी पागल नहीं है और ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत सही काम कर रहा होगा। मैं ही पागल हूँ शायद, मैं अपने पैसे से ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो आपको भी अपना पैसा वहाँ लगाने का मन करेगा। इस चीज़ को डिवाइड करो कि एक पागल आदमी जो करता है वो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन एक समझदार आदमी भी अपने पैसे के साथ में पागलपन कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखो। हियर इज़ द थिंग, पीपल फ्रॉम डिफरेंट generations raised by different parents who earned different incomes and held different values in different parts of the world, born into different economies, experienced different jobs, markets with different incentives and different degrees of luck, learn very different lessons. इतना powerful sentence है ये, एक बहुत अच्छा writer लिख सकता है जिसने दुनिया को बहुत अच्छे से देखा है, और इस sentence को लिखने के लिए इस आदमी ने कम से कम 10 बार 20 बार लिखा होगा, काटा होगा, लिखा होगा, काटा होगा। कह रहे हैं एक बात सुन समझिए, पीपल फ्रॉम डिफरेंट generations raised by डिफरेंट पेरेंट्स, अलग अलग generations के लोग होते हैं। जैसे मैं एक अलग जनरेशन का हूँ, एक अलग पीढ़ी का हूँ, मेरे पिताजी एक अलग पीढ़ी के हैं, ये लोग अलग पीढ़ी के हैं। ये मुझसे एक दिन पूछ रहे थे, बड़े पापा आप तो कहीं जाते हैं तो एक अच्छा होटल बुक करते हैं, लेकिन पापा जी तो होटल अच्छा नहीं बुक करते, वो तो सस्ता होटल बुक करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अलग पीढ़ी के हैं, मैं अलग पीढ़ी का। उनको जिन माँ बाप ने बड़ा किया है वो मुझसे, मेरे माँ बाप से कहीं ज़्यादा गरीब थे। कह रहे हैं पीपल फ्रॉम डिफरेंट generations raised by डिफरेंट पेरेंट्स, हर किसी के अलग अलग माँ बाप होते हैं, हु अर्नड डिफरेंट इनकम्स, उनके पिताजी की जो इनकम थी वो आपके बराबर रही होगी, मेरे दादाजी की कोई इनकम नहीं थी। मेरे पिताजी की इनकम मेरे से भी ज़्यादा थी, अर्नड डिफरेंट इनकम्स एंड हेल्ड डिफरेंट वैल्यूज़। आज अगर 2000 रुपये का एक कमरा रहना पड़े तो मेरे पिताजी के लिए एक खून है, पैसे का खून। अगर धूप में आप पानी पी रहे हैं और बिस्लरी का पानी पी रहे हैं तो पैसे का खून है। ये डिफरेंट वैल्यूज़ है। पीपल विथ डिफरेंट जनरेशन, अलग अलग पीढ़ियों में अलग अलग माँ बाप के द्वारा बड़े गए अलग अलग इनकम वाले लोग, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। बचपन में उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने पैसे से फीस भर सके, इसलिए उनके लिए 20 रुपए की बोतल, पानी की बोतल पैसे का खून है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्न इन डिफरेंट इकोनॉमीज, लोग अलग अलग देशों में पैदा हुए हैं और अलग अलग इकोनॉमीज में पैदा हुए। इकोनॉमी समझते हैं, कभी बहुत अच्छी इकोनॉमी होती है, ढेर सारा पैसा मार्केट में होता है, आप जाते हैं बैंकों के पास, उनसे बोलते हैं लोन चाहिए, फटाफट से लोन दे देंगे, और कभी बहुत ख़राब इकोनॉमी होती है, बैंक बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, भागो यहाँ से। तो एक जो खूब ढेर सारे पैसे के समय पैदा हुआ है, एक जो बहुत मंदी में पैदा हुआ है, उन दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ होंगे। दे एक्सपीरियंस डिफरेंट जॉब मार्केट्स, एक जॉब मार्केट ऐसा होता है जहाँ पर आराम से आपको नौकरी मिल जाती है, ये छोड़ी कि दूसरी मिली, एक जॉब मार्केट ऐसा होता है नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो वो भी अलग अलग तरीके से सोचेंगे पैसे के बारे में। विद डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ लक्स, एक आदमी है जिसके पास अकाउंट में 1 लाख रुपये है, उसको लग रहा है इस 1 लाख में से अगर मैं 15,000 किसी बिजनेस में लगा दूँ और 2 लोगों को जोड़ दूँ तो मेरे 1.5 लाख रुपये आ जाएंगे। ये है डिफरेंट इंसेंटिव्स। अगर उसी 15,000 को बैंक पे रखूँगा तो कितना मिल जाएगा ब्याज, 2-4 हज़ार रुपये, ये तो कम इंसेंटिव है। एंड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही में 15,000 से 15 लाख रुपये कमा लेते हैं, और कुछ बेचारे ऐसे हैं जो 15 लाख गंवा देते हैं। डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लक मतलब किसी को कम किस्मत मिलती है, किसी को ज़्यादा किस्मत मिलती है। लर्न वेरी डिफरेंट लेसन्स,
ये सब मिला जुला करके अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें सीखते हैं पैसे के बारे में। इसीलिए आपको लोग दिखेंगे नॉर्मल, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ कर रहे हैं पैसे के साथ। आपको उनको देख करके लगेगा पागलपन है ये। जैसे मुझे लगता है मेरे पास दो गाड़ी है, दो की ज़रूरत नहीं है, एक काफ़ी थी। मेरे पिताजी को लगता है गाड़ी होनी नहीं चाहिए, और मेरे भाई को लगता है मेरे पास गाड़ी है बहुत पुरानी है, नहीं होनी चाहिए। ये अलग अलग लेसन है। सबसे ज़्यादा पैसा पिताजी के पास है, मेरे पास उससे कम है, मेरे भाई के पास सबसे कम है, लेकिन उसको फटाफट नई गाड़ी चाहिए। ये अलग अलग लेसन है पैसे का, जो अलग अलग दुनिया में रह करके अभी हम लोग यहाँ बैठ करके जो पढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह का किस्मत ही है, हम सीख रहे हैं कुछ। एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक एक्सपीरियंस विथ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और हर इंसान जब दुनिया को देखता है तो उसके दिमाग में एक बात चलती है, अच्छा दुनिया ऐसे चलती है, अच्छा लोग ऐसे अमीर बनते हैं। आप लोग जो बात कर रहे हैं ना कि दो लोगों को जोड़ करके पैसा कमाने वाला, सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ चंदन के मालिक ने किया। डॉक्टर अमर सिंह ने आज से 20-25 साल पहले चंदन खोला, दो चार सेंटर खोले, उसके बाद उनको और तेज़ अमीर बनना था तो उन्होंने एम्बे नाम की कंपनी है, उसमें अब 2-4-5 हज़ार रुपये देकर के मेंबर बन जाते हैं, और उनके नीचे कम से कम 1,000 लोग काम करते थे। उनको लगा यार मैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को ही जुड़वा दूंगा, उसी में पैसे आना शुरू हो जाएंगे मेरे। तो उन्होंने एक साल तक इसको करने की कोशिश की, बड़ी बदनामी हुई, फिर छोड़ दिया। डूब गए क्या पैसे? उनके पैसे नहीं डूबे, नीचे वालों के डूबे, वो गाली देना शुरू कर दिए, फिर छोड़ दिया उन्होंने। स्टॉक मार्केट में लगवाया था MLM कंपनी में, मैं पैसा लगाऊंगा 5,000 रुपये, फिर मैं आपसे कहूंगा आप 5,000 लगाओ, आप मेरे नीचे जुड़ेंगे, फिर उसके नीचे कोई और जुड़ेगा, ऐसे चेन बनाई जाती है, और उस आपके पैसे में से मुझे कुछ पैसा मिलेगा, आपके नीचे जो पैसा देगा उसमें से कुछ आपको मिलेगा और उसमें से कुछ मुझे मिलेगा, ऐसे चेन सिस्टम होता है। ये उन्होंने किया था, बाद में छोड़ दिया। मैंने भी इसको किया, 3-4 कंपनी में मैंने अपना पैसा खूब डुबोया है, मेरे चाची का, प्रकाश चाची का, और बहुत से लोगों का पैसा डुबोया। इसके बदले मुझे खाली बदनामी मिली और कुछ नहीं मिला। तो कह रहे हैं एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक एक्सपीरियंस विथ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। हर इंसान जब दुनिया में कुछ करता है तो उसके पास अपना यूनिक एक्सपीरियंस होता है दुनिया कैसे काम करती है। यूनिक एक्सपीरियंस मतलब सीखते हैं। वो वही आदमी सीखता है जो आप सीख रहे हैं पैसे के बारे में, वो आप ही सीख रहे हैं। जो मैं सीख रहा हूँ, मैं ही सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अलग एक्सपीरियंस है, मेरा इंसेंटिव अलग है, इनका अलग है। और खाली पैसे का नहीं, इसके जरिए हम लोग ये भी देखते हैं दिमाग में कि दुनिया ऐसे काम करती है। ओ एंड वॉट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इज मोर कंपेलिंग देन वॉट यू लर्न सेकेंड हैंड। मैं अपने बच्चों से कहूँ अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो भूखे मरोगे, तो बच्चे बोलेंगे आप तो भूखे नहीं मर रहे हैं, हम भी भूखे नहीं मर रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं वॉट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इज मोर कंपेलिंग देन वॉट यू लर्न सेकेंड हैंड। आपने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, अभी इनका एक्सपीरियंस क्या है, हम एसी में सोते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और जब कभी कुछ बाहर खाना होता है तो बाहर से खरीद के भी खा लेते हैं, ये इनका एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा कंपेलिंग है, ज़्यादा ताकतवर है बजाय कोई सेकेंड हैंड बात। कौन सी भूख मरने की वाली बात कर रहे हैं? डिग्री नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो कहाँ से मर जाऊँगा, मैं तो जिंदा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा कंपेलिंग है, ज़्यादा ताकतवर है हमारे ऊपर। पिताजी के ऊपर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा ताकतवर था। मुझे याद है पिताजी के सबसे छोटे भाई, 8 भाई बहन हैं, सबसे छोटे भाई पापा के पास रोज़ आकर भैया भैया ए मार भैया ए भैया ए भैया हमारा नौकरी लगवाए थे भाई साहब प्लीज़ 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 ऐसे करके भीख मांगते थे रोज़। वो आबू धाबी जाते थे, 1 महीने के लिए जब इंडिया आते थे, हम लोग देते थे क्या कर रहे हैं ये, नौकरी नहीं थी, शादी हो गई थी, नौकरी मांग रहे थे। उनकी नौकरी लगवा दी पापा ने कुछ घूस उस दे करके, घूस मतलब कैमरा था, एक जनरल मैनेजर थे इफ्को के, उनको एक कैमरा लाकर गिफ्ट दे दिया, उस समय इंडिया में कैमरा मिलता नहीं था, लग गई नौकरी। पापा के बाद सबसे अच्छी नौकरी उन्हीं की लगी। अब वो रिटायर हुए हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते शायद लखनऊ में 1.5 करोड़ का मकान खरीदा है, और उस समय वो भीख मांग रहे थे। इस तरह का भीख किसी और भाई ने मांगा ही नहीं, मैंने पूरे साल देखा था उनके, जब भी वो आते थे भैया भैया, पापा की भी मम्मी की भी, पापा की भी मम्मी की भी भीख मांगते थे। वो अलग कंडीशन था, बाकी 7 भाइयों ने नहीं मांगा, 6 भाइयों ने नहीं मांगा,
कोई छोड़ के भाग गया, बल्कि एक भाई को तो उन्होंने पैसा लगा करके बिजनेस चालू कराया, वो भाग गया छोड़ के। तो हर एक आदमी का अपना यूनिक एक्सपीरियंस है जिसके जरिए, जिसके ऊपर वो ज़्यादा भरोसा करता है बजाय सेकेंड हैंड टीचिंग के। सो ऑल ऑफ अस, यू मी एवरीवन, गो थ्रू लाइफ एंकर्ड टू अ सेट ऑफ व्यूज अबाउट हाउ द मनी वर्क्स एंड दैट वेरी वाइल्डली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप मैं और हर कोई गो थ्रू लाइफ एंकर्ड। हम जब लाइफ में चलते हैं तो एक बात हमारे दिमाग में एंकर्ड रहती है। एंकर समझते हैं क्या होता है? नाव को रोकने के लिए एंकर। हाँ, नाव को रोकने के लिए एक भारी वजन डाला जाता है ताकि वो नाव खड़ी रहे वहीं पे। ऐसे ही हमारे पास कुछ व्यूज़ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो एंकर हैं कि पैसा कैसे काम करता है, और वो हम सबका अलग अलग है। जैसे इनके मन में होगा कि मैं पैसा कमाऊँगा लेकिन मैं अपनी मौज मस्ती को छोड़ के पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें मुझे मौज मस्ती मिलती हो साथ ही साथ पैसा कमाऊंगा। आप फिल्में बनाएंगे ना, आप ही का दोस्त जो मुश्किल से आपसे दो तीन साल छोटा होगा, 4 साल बड़ा होगा आपसे, अमन, उसका एंकर अलग है। रात रात भर जग जग करके वो पढ़ाई कर रहा है, कंपनी में जॉब कर रहा है, खुद खाना बना रहा है, इनको भी बुला रहा है कि आ जाओ साथ में, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर आदमी का अपना अलग एंकर है, अलग ओपिनियन है पैसे के बारे में। व्हाट सीम्स क्रेजी टू यू माइट मेक सेंस टू मी। तो जो चीज़ आपके लिए, आप बोलेंगे क्या पागल आदमी है, अपने आप को टॉर्चर कर रहा है। व्हाट सीम्स क्रेजी टू यू, जो आपको पागलपन लग रहा है, सामने वाले को हो सकता है उसमें मतलब दिखाई देता। द पर्सन हु ग्रू अप इन पॉवर्टी थिंक्स अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड इन वेज चाइल्ड ऑफ अ वेल्दी बैंकर कैन नॉट फैदम इफ ही ट्राइड। जो आदमी गरीबी में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, वो रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में, कहाँ पर पैसा लगाया जाए, क्या मिलेगा, सोच ही नहीं सकता वैसे जैसा एक आदमी जो बहुत अमीर बैंक में काम करने वाले का बेटा हो। जैसे आज ये लोग रिस्क के बारे में नहीं सोच सकते, घंटों घंटों पढ़ नहीं सकते। 12th फेल वाला जो स्टोरी है वो आप लोगों के लिए सच नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो गरीबी नहीं है। नहीं, ये कह रहा कि वो लेने को तैयार होगा पॉवर्टी और नहीं लेने को तैयार होगा रिस्क। दोनों चीज़ें हैं। एक गरीब आदमी रिस्क के बारे में अलग तरीके से सोचेगा, एक अमीर आदमी रिस्क के बारे में अलग तरीके से सोचेगा। एक गरीब आदमी का बेटा रिस्क के बारे में अलग तरीके से सोचेगा, अमीर आदमी का बेटा रिस्क के बारे में अलग तरीके से सोचेगा। द पर्सन हु ग्रू अप विथ इन्फ्लेशन वॉज हाई एक्सपीरियंस समथिंग द पर्सन हु ग्रू अप विथ स्टेबल प्राइस नेवर हैड टू। अच्छा, द पर्सन हु ग्रू अप व्हेन इन्फ्लेशन वॉज हाई। हाँ, एक आदमी जो जब बड़ा हो रहा था, जिस समय इन्फ्लेशन बहुत हाई था, महंगाई बहुत हाई थी, और आपको पता है पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है और कितनी तेज़ी से बढ़ी है, आप लोगों को नहीं आइडिया होगा ना। तेज़ी से नहीं पता, लेकिन बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। हम लोग ने ये जो आप सिलेंडर खरीदते हैं, लास्ट सबसे कम भाव कब का है, कितना याद है? 400 कब था? 2012-13 में। 14 से आई गवर्नमेंट, और अब कितने का है? 900 का है, डबल से ज़्यादा हुआ है। हर साल 2-2% बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल सबसे कम याद है कब कितना था? 50 रुपये का आपको याद है, मुझे भी ये याद है 50 का। अब है तकरीबन 90-100 रुपये का। और पेट्रोल और सिलेंडर, यही दो चीज़ें बाकी सब चीज़ों का भाव टेस्ट कर बढ़ाती हैं। अगर ये चीज़ें सस्ती हों, क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल से और सिलेंडर से ही आती जाती है, गाड़ी से सामान आता जाता है, तो अगर इनकी महंगाई हुई तो सब चीज़ महंगाई हो जाएगी। जब मैंने चंदन में नौकरी की थी, 400 रुपये का अल्ट्रासाउंड होता था, अब वहाँ पर 1000 रुपये का अल्ट्रासाउंड होता है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये कह रहे हैं जो महंगाई के समय जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी होंगी, जो महंगाई के समय जो बंदा है उससे ज़्यादा इसने ज़्यादा चीज़ एक्सपीरियंस करी है। तो जिस आदमी ने महंगाई को एक्सपीरियंस किया है वो अलग तरीके से सोचेगा पैसे के बारे में, और जो आदमी स्टेबल प्राइस को, कि बहुत दिन से वही प्राइस है, उसको एक्सपीरियंस करेगा तो अलग तरीके से सोचेगा पैसे के बारे में। स्टॉक ब्रोकर
who lost everything during Great Depression experienced something the tech workers basking in the glory of the late 1990s cannot imagine. Iska matlab? Jo stock broker jisne Great Depression dekha hai. उसने अलग चीज एक्सपीरियंस करी है और अभी ये पहला अल्टो में जो टेक वर्कर्स हैं वो उन लोगों ने अलग चीज एक्सपीरियंस करी है. उन्होंने कभी भी डिप्रेशन नहीं देखा है इतना ज्यादा किसी के पास पैसे नहीं है भूखों मर रहे हैं. वही बात बार बार कह रहे हैं कि एक आदमी ने जिसने बहुत तेजी से मार्केट को बढ़ते हुए देखा है और एक जिसने मार्केट को एकदम धड़ाम से गिरते हुए देखा है और लोगों को भूखों मरते हुए देखा है वो दोनों अलग अलग तरीके से सोचेंगे. उसी बात को फिर से जोर दे रहे हैं. ऑस्ट्रेलियन हु हैजंट सीन अ रिसेशन इन 30 years हैज एक्सपीरियंस समथिंग नो अमेरिकन हैज एवर हैज. ऑस्ट्रेलिया एक देश है, पता है कहाँ है? कम ऑन, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जो साउथ हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा पूरी दुनिया धरती गोल है, माने जैसे धरती एक गोल है ऐसे बीच में से काट दीजिए, पूरी दुनिया ऊपर है खाली ऑस्ट्रेलिया नीचे है अकेला. खूब बड़ा सा नीचे है, समुद्र से लॉक्ड है. वहाँ पर पिछले 30 साल में कोई रिसेशन नहीं आया, कोई डिप्रेशन नहीं आया, कोई मार्केट क्रैश नहीं हुआ. अमेरिका में बहुत बार हुआ, तो वहाँ के लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, सबके पास नौकरियाँ हैं. बहुत से इंडियंस ऑस्ट्रेलिया जाते हैं नौकरी करने के लिए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास ज्वाइन किए, कोर्स ज्वाइन किए. ऑन एंड ऑन द लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज एंडलेस. तो इस तरह की लंबी लिस्ट है कि ये वो यू नो स्टफ अबाउट मनी दैट आई डोंट एंड वाइस वर्सा. तो होता ये है, आप पैसे के बारे में कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता हूँ. यू गो थ्रू लाइफ विद डिफरेंट बिलीफ गोल्स एंड फोरकास्ट देन आई डू. आप जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपकी कुछ अलग बिलीफ है, कुछ अलग गोल हैं और अलग फोरकास्ट है. हाँ, जब मैंने MBBS कर लिया था तो मेरा फोरकास्ट ये था कि मैं ढेर सारा पैसा कमाऊँगा, वो गलत फोरकास्ट था. मेरी बिलीफ ये थी कि सैलरी ज़्यादा मिलेगी. मेरा गोल ये था कि बस नौकरी करना है. मुझे ये पता ही नहीं था कि MBBS करने के बाद मुझे MBBS का काम भी आना चाहिए. मुझे लगता था आ गया मुझे काम, किताबें पढ़ी आ गया. और जब मैंने दिनेश अग्रवाल जी के साथ हॉस्पिटल खोलने का प्लान बनाया, स्कूल खोला, मुझे लगता था इसमें क्या है, स्कूल खोलने में क्या दिक्कत है, हॉस्पिटल खोलने में क्या दिक्कत है, बस खोल लो चलाओ, आ गया. ये मेरा गोल बिलीफ और फोरकास्ट था. दैट्स नॉट बिकॉज वन ऑफ अस इज स्मार्टर देन अदर्स और हैज़ बेटर इन्फॉर्मेशन. और इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदमी ज़्यादा स्मार्ट है मैं कम स्मार्ट हूँ, या उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कम इन्फॉर्मेशन है. इट्स बिकॉज वी हैव डिफरेंट लाइव्स शेप्ड बाय डिफरेंट एंड इक्वली परसुएसिव एक्सपीरियंसेस. हर आदमी के पास अलग ज़िंदगी है और अलग अलग सिचुएशंस उसको शेप देती है, अलग अलग चीज़ें उसको परसुएड करती हैं. मैंने अगर अपनी 12वीं के बाद MBBS किया और उसके बाद MBBS करने के बाद 4 साल कुछ नहीं किया तो अलग सिचुएशन ने मुझे धक्का मारा. किसी ने अगर अपनी पढ़ाई को अच्छे से किया तो अलग सिचुएशन ने उसको धक्का मारा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सामने वाले से इन्फ्लुएंस ना हो, सेकेंड हैंड बातों से इन्फ्लुएंस ना हो. नहीं तो जो भी पैसे के साथ हम करेंगे हम अपने एक्सपीरियंस से नहीं करेंगे, हम सामने वाले के एक्सपीरियंस से करेंगे. अभी मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, किसी और का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड अमाउंट लगाया है. स्टॉक मार्केट में भी लगाया है, बहुत लिमिटेड लगाया है, पूरा नहीं लगाया, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा कर सकूं. इसी को फिर से कह रहे हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत कम है दुनिया के बारे में. कभी भी ये मत सोचिएगा आप जो दुनिया के बारे में समझ रहे हैं पैसे के बारे में वो सब कुछ है, वो बहुत कम है. इट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स. ये खाली आपका दिमाग है जो बता रहा है कि दुनिया कैसे काम करती है. सो हमें लगता होगा कि बहुत हमारे जो डिसीजन है वो दुनिया को शेप नहीं करते हैं, बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स. देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद मनी मेक्स अप मे बी 0.0001% ऑफ वॉट हैपन्स इन द वर्ल्ड, बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स. इस लाइन का मतलब लिखा था GPT 2 से, व्हाई योर एक्सपीरियंसेस माइट बी स्मॉल इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स दे हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन हाउ यू सी द वर्ल्ड अराउंड यू. हाँ देखिए, मेरे पास
एक एक्सपीरियंस है कि अगर मैं जिनोगा की वीडियोज़ बनाऊँगा और ये WBX का स्मार्ट मनी रूल की वीडियोज़ बनाऊँगा तो पूरी दुनिया बदल दूँगा, दुनिया में बदलाव आ जाएगा। ये सच नहीं है, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा भरोसा है। ऐसे ही तो मैं आज से 15-20 साल पहले सोचता था जब मैं स्कूल खोलूँगा तो दुनिया बदल दूँगा। कुछ बच्चे मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए, बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, उनको पढ़ाया मैंने और उनको लगा कि बड़े IAS पीसेस बनेंगे, कुछ नहीं बने, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान चला रहा है। तो जो हम लोगों को एक्सपीरियंस है दुनिया का, वो दुनिया के बारे में नहीं है, वो खाली हमारे दिमाग में चलने वाला विचार है। सो इक्वली स्मार्ट पीपल कैन डिसग्री अबाउट हाउ एंड वाई रिसेशन हैपन्स। इसलिए एक ही जैसे लोग, सेम MBBS डॉक्टर या IAS डॉक्टर, IAS लोग, एक ही जैसे लोग अलग अलग बातें बोलेंगे रिसेशन क्यों आया। अगर मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर सिद्धांत डॉक्टर हैं, वो अलग कहानी बोलेंगे, मैं अलग कहानी बोलूँगा। क्यों? क्योंकि उनका अलग एक्सपीरियंस है, उनका अलग बैकग्राउंड है, मैंने अलग किताबें पढ़ी हैं, मेरा अलग एक्सपीरियंस है। एंड यू शुड इन्वेस्ट योर मनी, वॉट यू शुड प्रायोरिटाइज, हाउ मच रिस्क यू शुड टेक, सो ऑन एंड ऑन। आज मैंने डॉक्टर सिद्धांत को समझाया कि आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, MCH कर लिया है, MCH के बाद कोई डिग्री नहीं होती, अब आपको सीधे जंप करना चाहिए मार्केट में, मरीजों को ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आप सर्जन हैं। वो बोले नहीं, अभी मुझे 2-4 साल और सीखना है। यहाँ पर डॉक्टर सुनील, डॉक्टर डॉक्टर अशोक, इन लोगों ने पिछले 2-3 साल में अपना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया है। आप लखनऊ जाओ तो एक बड़ा सा एपेक्स हॉस्पिटल खुला है, डॉक्टर अशोक ने खोला है, बट उनको लग रहा है अभी और सीखना है। उनको लग रहा है, उनका अलग एक्सपीरियंस है, मेरा अलग एक्सपीरियंस है। वो पागल नहीं है, मैं भी पागल नहीं हूँ। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ हुई। एक पेड़ देखा मैंने, पेड़, क्योंकि डॉक्टर सिद्धांत ने मुझे एक सवाल पूछा कि सर आप जेनोविले बनाना चाहते हैं, उसका क्या प्लान है? मैंने कहा प्लान क्या है, जब पैसे आएंगे तो बिल्डिंग बनेगी, लोग आएंगे तब सबको बुलाएंगे। बोलते हैं अब उसी चीज़ के लिए प्लान क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, हम लोग कोर्स चला रहे हैं, सेंटर चला रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पैसे का, कहीं से डोनेशन आएगा तो उसको यूज़ करेंगे। तो बार बार मुझसे प्लान पूछ रहे थे, क्योंकि वो हर चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान मतलब आज से 10-20 साल बाद क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या प्लान बताऊँ उनको, कि भाई बहुत यही तो कर सकता हूँ, ज़मीन ले सकता हूँ, और क्या, मेरे दिमाग में और कोई बात नहीं आ रही थी। तो मैंने उनसे नहीं कहा, उसके बाद मैं सवाल को दिमाग में लेकर के घूम रहा था। फिर जब मैं वॉक कर रहा था तो मेरे मन में एक थॉट आया, उस थॉट से मेरा सवाल का जवाब आ गया। एक पेड़ जो जंगल में बदल जाता है, कोई एक जगह है जहाँ पर कोई पौधा वौधा नहीं है, खाली एक पेड़ है, और धीमे धीमे 10-15-20 साल में वहाँ पर जंगल बन गया, तो उस पेड़ का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है जंगल बनाने के लिए? एक पेड़ जो जंगल बन जाता है बड़ा सा, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या कैसे करता है कि वो जंगल बन जाता है? कोई प्लान नहीं है, जो चल रहा है। हाँ, उसका कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन वो अपना तो कर्तव्य करता है, वो अपना पेड़ बड़ा होता रहता है, वो सीज़न आता है तो पौधे देता है, उसी में से बीज निकालता है, फिर हवा आती है, जानवर आते हैं, उस बीज को लेकर के कहीं और जाते हैं, उसका फल खाते हैं, बीज फेंक देते हैं, फिर वो बीज ज़मीन पकड़ता है, फिर पौधा बनता है, ऐसे ही तो जंगल बनता है। तो मुझे ये समझ में आया कि जो हम लोग यहाँ पर कोर्सेज वीडियोज़ बना रहे हैं, ये हम लोगों के बीज हैं, और मैं एक पेड़ हूँ। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? अपने बीज को बनाते रहो मौसम के हिसाब से, और फिर जो भी टाइम आएगा तो एक नया पेड़ बनेगा, एक नया पौधा बनेगा, जो हो रहा है पिछले कुछ सालों में हो रहा है। अब जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये बीज है, नॉलेज की बीज है। 1930s में अमेरिका में एक आदमी था, फ्रेडरिक लेविस एलन, उसने किताब लिखी ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर। उसने लिखा था मार्क्ड मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स, मतलब क्या मतलब है मार्क्ड मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स इनवर्डली। उनको लगा वो चीज़, भैया इतनी मंदी, इतनी गरीबी आई कि लाखों करोड़ों लोग
ज़िंदगी भर के लिए उनको छाप पड़ गई है। जैसे किसी बच्चे को बचपन में कोई बहुत ख़राब चीज़ हो जाए तो छाप पड़ जाती है, ज़िंदगी भर के लिए छाप पड़ जाती है। किसी का रेप हो जाए बचपन में तो बुढ़ापे तक नहीं भूलता है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, जब ये डिप्रेशन आया, मंदी आई, तो लाखों अमेरिकन्स को छाप पड़ गई। बट देयर वॉज अ रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ था। 25 साल बाद, मात्र 25 साल बाद, एक आदमी था जॉन एफ कैनेडी, मोदी जैसा था, उससे जब पूछा गया कि आपको डिप्रेशन के बारे में क्या याद है, डिप्रेशन के बारे में जिसमें लिखा गया था, किताब में क्या लिखा था, हर आदमी के ऊपर छाप पड़ गई, पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जॉन एफ कैनेडी से पूछा गया तो बोलते हैं, आई हैव नो फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द डिप्रेशन। अगर ये इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो इनकी उम्र कितनी होगी? 26 नहीं, इलेक्शन प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जैसे मोदी, हाँ, कम से कम 40-45 साल के होंगे, मेरी उम्र के होंगे, और 25 साल पहले कितने उम्र के होंगे, 20-25 साल के, तो इतने तो समझदार होंगे ना। डिप्रेशन चल रहा है, जैसे आप लोगों को आजकल मालूम तो है ही मार्केट में क्या चल रहा है, मोदी हैं और क्या सब यूट्यूब में देख ही रहे हैं आप लोग। तो ये आदमी क्या कह रहा है, आई हैव नो फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ डिप्रेशन, मुझे तो डिप्रेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। माई फैमिली हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून इन द वर्ल्ड एंड इट वॉज वर्थ मोर देन एवर देन। बोलते मेरे परिवार के पास तो बहुत पैसे थे, बहुत पैसे थे, और उस समय तो मेरे परिवार की जो इनकम थी, मतलब जो एसेट्स थे, ज़मीन जायदाद, उसकी कीमत और बढ़ गई थी। वी हैड बिगर हाउस, मोर सर्वेंट्स, वी ट्रेवल्ड मोर, और उस समय डिप्रेशन के समय हमने और बड़ा घर खरीद लिया और घूमे दुनिया में, और नौकर जितने थे उसके भी डबल ट्रिपल कर लिए हमने और बढ़ा लिए। अबाउट द थिंग, ओनली थिंग दैट आई सॉ डायरेक्टली वॉज वेन माई फादर हायर्ड सम एक्स्ट्रा गार्डनर्स जस्ट टू गिव देम अ जॉब सो दैट दे कुड ईट। बोलते बस एक ही चीज़ याद है मुझे, डिप्रेशन बहुत था, लोग गरीबी गरीबी बोलते थे, तो मेरे पापा ने कहा सुनो यार, 25-30 वो मालियों को रख लो, बेचारे भूखों मर रहे हैं, बस नौकरी पे रख लिया हमने, और क्या, गरीबी में और क्या होता है। आई रियली डिड नॉट लर्न अबाउट डिप्रेशन अंटिल आई रेड अबाउट इट इन हार्वर्ड। और ये आदमी कहता है जो प्रेसिडेंट बनने वाला था अमेरिका का, कि मैंने डिप्रेशन के बारे में कुछ जाना वाना नहीं है। जब मैं हार्वर्ड गया पढ़ने के लिए, तब किताबों में पढ़ा, तब जाके पता चला मुझे, उसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दिस वॉज अ मेजर पॉइंट इन 1960s इलेक्शन, और ये चीज़ 1960 के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। हाउ पीपल थॉट कुड समवन विथ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिगेस्ट इकोनॉमिक स्टोरी ऑफ द लास्ट जनरेशन बी पुट इन चार्ज ऑफ द इकोनॉमी। जैसे आज ये जो 2014 का इलेक्शन जीते हैं मोदी, पता है किस लिए जीते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, कैसे जीते वो? पप्पू पप्पू कर रहे थे उसको, कांग्रेस के बच्चे उसको, ये लोग कहते थे कि कांग्रेस एक अमीर परिवार है, बीसियों साल से राज कर रही है इंडिया पे, और नरेंद्र मोदी एक गरीब आदमी का बच्चा है, चाय वाला है, वो गरीबी जानता है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो देश को सुधार देगा। उसको क्या पता गरीबी के बारे में? राहुल गांधी क्या जाने गरीबी के बारे में? वो बचपन से अरबपति रहा है, ये मुद्दा था। ऐसे मुद्दा यहाँ पर है। जॉन एफ कैनेडी के बारे में बोला गया, ये आदमी तो कुछ जानता नहीं डिप्रेशन के बारे में, तो क्या करेगा देश के बारे में, देश की कैसे सुधारेगा इकोनॉमी। इट वॉज इन मैनी वेज ओवरकम ओनली बाई JFK's एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड वॉर टू, दैट वॉज द अदर मोस्ट वाइड स्प्रेड इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस जनरेशन एंड समथिंग हिज प्राइमरी ओपोनेंट हर्बर्ट हम्फ्रे डिडंट हैव। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और हुई, वर्ल्ड वॉर टू हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। वर्ल्ड वॉर वन बहुत पहले हुआ था, उसके बाद टू हुई, वो चीज़ जॉन एफ कैनेडी का एक्सपीरियंस बना। उन्होंने देखा किस तरह से उनके सैनिक मरे, और उनके ओपोनेंट में हर्बर्ट हम्फ्रे नाम का एक आदमी था जो इलेक्शन लड़ना चाहता था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था वर्ल्ड वॉर टू का। द चैलेंज फॉर अस इज दैट नो अमाउंट ऑफ स्टडिंग और ओपन माइंडेडनेस कैन जेन्युइनली रिक्रिएट द पावर ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी। ये लेसन, आज का लेसन यही है, चैलेंज ये है, मुश्किल ये है, आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, कितना भी किताब पढ़ लीजिए,
या आपका दिमाग ठीक है, आप सबकी बातें सुन लीजिए, इंटरव्यू कर लीजिए, सबसे बातें सुन लीजिए, लेकिन आपके अंदर में वो फियर और वो अनसर्टिनिटी नहीं आएगी। आज बड़ी मम्मी पढ़ रही हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में फियर देखा है। वो जो बोलती है ना कि मैं तो एक ही फ्रॉक में पूरा महीना बिता देती थी, वो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मुझे बचपन में कभी याद ही नहीं है कि मैंने इतनी गरीबी देखी, हमेशा खाना मिलता था। आई कैन रीड अबाउट वॉट इट वॉज लाइक टू लूज एवरीथिंग ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। ऑथर कह रहे हैं मैं किताबों में पढ़ सकता हूँ कि सब कुछ खो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना क्या होता है, बट आई डोंट हैव द इमोशनल स्कार ऑफ दोज हु एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। लेकिन मेरे पास वो दिमाग में उसका घाव नहीं है, इमोशनल स्कार नहीं है उन लोगों का जो लोगों ने झेला है। एंड द पर्सन हु लिव्ड थ्रू इट कांट फैदम वाई समवन लाइक मी कुड कम अक्रॉस एज कंप्लीसेंट अबाउट थिंग्स लाइक ओनिंग स्टॉक्स। और जो आदमी झेल चुका है वो मुझे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ कुछ नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस स्टॉक्स में, शेयर में पैसा लगाओ, अमीर हो जाओ। हमारे ऑथर बहुत बड़े स्टॉक के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, बैंकों का स्टॉक्स में लगाते हैं, बोलते हैं इसलिए वो मुझे नहीं समझ पाएगा। वी सी द वर्ल्ड थ्रू डिफरेंट लेंस। एक आदमी जिसने झेला है वो अलग चश्मे से दुनिया को देखता है, मैं अलग चश्मे से देखता हूँ। स्प्रेडशीट कैन मॉडल द हिस्टोरिक फ्रिक्वेंसी ऑफ बिग स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस, बट दे कांट मॉडल द फीलिंग्स ऑफ कमिंग होम, लुकिंग एट योर किड्स एंड वंडरिंग इफ दे हैव यू हैव मेड द मिस्टेक दैट विल इम्पैक्ट देयर लाइव्स। मुझे लगता है गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने ना अपना घर छोड़ा, राजा से भिखारी बने, पता है क्यों? क्योंकि वो तकलीफ को और साफ देखना चाहते थे। उन्होंने देखा तकलीफ, दुख, कोई मर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, लेकिन वापस उसी लैक्सिटी में नहीं जाना चाहते थे, आराम की ज़िंदगी में। ऑथर कह रहे हैं कि आप एक फाइल ले लें किसी कंपनी का, उसमें आप देख लेंगे पिछले साल ये शेयर कितने का था, उससे पहले कितने का था, फिर नीचे गिर गया, कोविड आया था तो नीचे हो गया, फिर ऊपर चला गया, वो तो ठीक है। लेकिन एक आदमी जो अभी अभी अपनी नौकरी खो गया है, गरीब हो गया, और घर पे आता है और अपने बच्चे को देखता है, उसका बच्चा बोलता है पापा मुझे घूमने चलना है, चलो कुछ आइसक्रीम खिला दो, उसके पास पैसे नहीं है, वो चीज़ खाली वही आदमी जान सकता है। स्टॉक मार्केट गिरा था हमारे लिए खाली एक बात थी, लेकिन उस बच्चे को वो खाना नहीं खिला पाया, उसकी फ़ीस नहीं भर पाया, ये वही जानता है। मुझे याद है हमारे घर में एक चाचा का लड़का है विजय, विजय शुक्ला, वो हमारे घर आया था एक बार, मुझसे 3-4 साल छोटा है, 4 साल नहीं 3 साल छोटा है। मम्मी के पास बोलता है प्लीज़ चाची पैसा दे दीजिए, फीस दे दीजिए, फीस फीस, बहुत रो रहा था, उसकी फ़ीस मम्मी ने दे दी। हमारे घर में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। मनोज भैया आए, फीस मांगा, उनके पापा आए बोलते हमको फीस नहीं भरवाना, चले गए, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। दोनों ने गरीबी देखी, एक ने अपनी पढ़ाई पूरी की, विजय ने पूरी की, आर्मी में नौकरी की, नौकरी वहाँ तक किया जहाँ तक उनको पेंशन मिले, अब नौकरी छोड़ दी आर्मी की, फिर से एग्ज़ाम दिया, और अब कहाँ नौकरी करते हैं? SBI में दूसरी नौकरी करते हैं। एक पेंशन पाता है, एक दूसरी नौकरी करता है, वो अलग लेसन सीख रहा है, ये अलग लेसन सीख रहे हैं। स्टडिंग हिस्ट्री मेक्स यू फील लाइक यू अंडरस्टैंड समथिंग, बट अंटिल यू हैव लिव्ड थ्रू इट द पर्सनल एंड पर्सनली फेल्ट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट इनफ टू चेंज योर बिहेवियर। बोलते हैं आप पढ़ लें, इतिहास को पढ़ लें, लेकिन जब तक आप उसके घावों को, उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके फल को खुद नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक आप उस बिहेवियर को नहीं ला पाएंगे। वी ऑल थिंक वी नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, बट वी ऑल ओनली एक्सपीरियंस अ टाइनी स्लीवर ऑफ इट। हम सबको लगता है कि हम दुनिया के बारे में समझते हैं, दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम बहुत ज़रा सा जानते हैं दुनिया के बारे में, बहुत ज़रा सा। एंड एज इन्वेस्टर माइकल बैटनिक सेज, सेम सम लेसन्स हैव टू बी एक्सपीरियंस बिफोर दे कैन बी अंडरस्टूड। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं माइकल बैटनिक, बोलते हैं कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं खाली किताब पढ़ के नहीं आता, उसको झेलना पड़ता है तब आप सीखते हैं। वी आर ऑल विक्टम्स इन डिफरेंट वेज टू द ट्रूथ। लास्ट में ऑथर कह रहे हैं हम सब के सब विक्टम हैं। विक्टम मतलब भोगी, जैसे किसी का चोरी हो जाए तो विक्टम है, किसी का मर्डर हो जाए तो उसको विक्टम बोलते हैं। हम सब के सब विक्टम हैं किस चीज़ के? सच के, सच के विक्टम हैं। मतलब आप किताब पढ़ लें लेकिन उससे आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी, जब सच झापड़ मारेगा,
चाहे ज़्यादा पैसे मिले चाहे कम पैसे मिले, उसका आपको असर अलग दिखाई देगा। एक ही बात को बार बार समझा रहे हैं, क्या बात है, कोई पागल नहीं है। अलग अलग लोग पैसे के साथ अलग अलग चीज़ करते हैं और वो उनके अपने एक्सपीरियंस से आता है। तो अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करिए, इवन जब हम पढ़ते भी हैं तो उसमें भी एक नॉलेज का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ये बात अगर याद आ जाए, कोई आदमी पैसा लगा रहा है आप नहीं लगा रहे हैं, फिर आप पैसा लगा रहे हैं किसी चीज़ में, तो उसे आप एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, सक्सेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। आपका पैसा जब लगा रहे हैं मार्केट में तो पैसा नहीं आएगा, आपको एक एक्सपीरियंस आएगा। हो सकता है पैसा आए, हो सकता है पैसा लॉस हो जाए। तो आज के लेसन का नाम है नो वन इज क्रेजी, कोई पागल नहीं है। योर पर्सनल एक्सपीरियंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवरीथिंग एल्स। पर्सनल एक्सपीरियंस करिए, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में, बिजनेस में, नौकरी में, खास तौर से पैसे के साथ में, खाली अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा करिए। कल और पढ़ते हैं।